प्रसिद्ध अभिनेता श्री राजपाल यादव जी हैं, जिनके साथ दी संडे पोस्ट की टीम, जिसमें हमारे कार्यकारी संपादक श्री दाताराम चमोली जी, हमारे रोविंग एडिटर श्री आकाश नागर और हमारी पाखी पत्रिका के उप संपादक जागृति सौरभ श्री राजपाल यादव जी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। श्री राजपाल जी, आपका दी संडे पोस्ट के टॉप ऑन टेबल कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। थैंक यू सो मच अपूर्वा भाई, थैंक यू सो मच। अब हमारे बच्चे जी आ जाइए। राजपाल यादव जी, आपका संडे पोस्ट में स्वागत है। थैंक यू। संडे पोस्ट आपसे टॉक ऑन टेबल के जरिए कुछ सवाल पूछना चाहता है। जी बिल्कुल, पूछे। सरल सरल पूछ लेना। सरल ही पूछूंगी। सबसे पहले यादव जी, जो आपका फिल्मी करियर शुरू हुआ जी, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू करें? ये तो बचपन से ही शुरू हो गया था, कहाँ से शुरू करें ये तो बड़ा मुश्किल है अब कहना। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब से ही जो स्कूल के छोटे मोटे फंक्शन होते हैं या फिर बड़े राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं तो उसमें हिस्सा लेता था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। और कक्षा 9-10 तक लगातार स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़ा रहा। उसके बाद में जब 12th किया तो एक शाहजहाँपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर एक संस्था है जिसमें एक अमेचर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। फिर ग्रेजुएशन किया, लगातार पहले थिएटर करता रहा शाहजहाँपुर में। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद पहुंचा लखनऊ भारतेंदु नाटक अकादमी में, 2 साल का डिप्लोमा किया। फिर भारतेंदु अकेडमी नाट्य अकेडमी के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली पहुंचा, वहां पे 3 वर्षीय डिप्लोमा किया। और 97 में लगातार 10 साल थिएटर और 10 साल में 5 साल की इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग करने के बाद मुंबई की सरजमीन पे पहुंचा और वहां लगभग 1.5 साल सीरियल्स किए, जिसमें पहला सीरियल स्वराज था, 4-5 एपिसोड का रोल था। फिर नया दौर, महायज्ञ, श्याम बेनेगल जी की जो कहानियाँ, पंकज कपूर जी की कहानियाँ, हिमांशु धुलिया साहब, इस तरीके के 10-12 जो है। फिर लास्ट में प्रकाश झा साहब का मुंगेरी भाई नौरंगी लाल शुरू हुआ, उसमें मुख्य भूमिका करने का सौभाग्य मिला। और 2 साल के बाद में जो है सीरियल से अलविदा कहने का टाइम आ गया था, क्योंकि फिल्मों में व्यस्त होने लगा था। और जंगल रिलीज हुई, जंगल से 2 मुख्य खलनायक के अवार्ड भी मिले। नहीं, आप तो बायो की पढ़ाई की ना आपने? जी बायो की पढ़ाई की सर, शायद हम हाई स्कूल 9th-10th हमने डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा, बनना नहीं चाहते थे आप? नहीं, बनना भी चाहता था लेकिन नहीं, था कि कक्षा 11 में जब बायो लिया, बड़ी कमाली राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर में एडमिशन लिया, 1 साल उसमें पढ़ाई की। और उसमें प्रैक्टिकल होता है बायो का, तो उसमें जो है वो मेढक जो था वो पकड़ के और वो जार में जब डाला और उसमें क्लोरोफार्म उसको सुंघाए, क्लोरोफार्म के जार में उसको डाल के, और थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। फिर उसका जब ऑपरेशन करने का टाइम आया तो शायद वो पहला और आखिरी दिन था कि राजपाल यादव का हमारा जैसा कोमल हृदय है या हम जिस तरीके का, हमारे बस की बात नहीं है चीरा लगा पाना, तो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ डॉक्टरी। और उसी समय बड़ी कमाल की कि मैं दोनों तरफ पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर रहा था, जैसे हाई स्कूल के बाद जो उत्सुक बच्चे होते हैं कि उनको नौकरी में जाना है कि कहाँ मिलेगा, किस में मिलेगा, तो थिएटर भी कर रहा था। उधर मोहल्ले में जो चुनाव होते हैं उनमें भी शिरकत करता था, हाई स्कूल में करने लग गए थे। हाँ, और इधर हाई स्कूल पास करने के बाद हमारे यहाँ एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, उसमें नौकरी की आपने? उसमें नौकरी नहीं की, उसमें अप्रेंटिस की, उसके 29th बैच का पास आउट हूँ। नहीं, तो मतलब उसमें मतलब अप्रेंटिस किस
ऑर्डिनेंस में? ये भारत सरकार ट्रेड नहीं, ट्रेड क्या था आपका? अप्रेंटिस ट्रेड किया आपने की? एक बार बोल लो। हाँ। मैं बोलूँ? भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हमारे देश में इसको, इसमें अलग अलग काम होता है, जिसमें जैसे कानपुर ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, वहाँ सब गनों का काम होता है, शाहजहाँपुर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, तो उसमें पैराशूट से लेके जितने भी लोग काम करते हैं वो सब कपड़ा संबंधी काम करते हैं, जिसमें जल से थल सेना, वायुसेना और आपकी नौसेना के जो ड्रेसेस से लेके उनके खाने के डिब्बों से लेके अलग अलग मच्छरदानी से लेके मोजे से लेके सब कुछ कपड़े का काम होता है एक सेना को चलाने के लिए, वो काम उसमें होता है। उसमें मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ, हाई स्कूल एजुकेशन थी तो उसमें फॉर्म डाला था, तो वो 2 साल उसमें ट्रेनिंग की, हमारा पूरा बैच उसमें कार्यरत है, लेकिन चूँकि हम इधर थिएटर में बिजी थे तो फिर हमें ज्वाइन करने का सौभाग्य नहीं मिला और फिर मैं लखनऊ चला गया। भी मन नहीं लगा, तो अब ये 2000 में जंगल रिलीज हो गई और उसके बाद 2019 तक लगभग रिलीज अनरिलीज 200 फिल्मों का हिस्सा बन चुका हूँ और नेशनल इंटरनेशनल। एनएसटी के बाद आपको तो मतलब मौका तो पहले छोटे पर्दे से ही मिला ना, लोकप्रियता जो आपकी छोटे पर्दे से ही? बिल्कुल बिल्कुल, छोटा पर्दा कभी पर्दा नहीं, उसको हम छोटा पर्दा नहीं बोलते हैं, कम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि छोटा पर्दा है। मतलब वो आपकी जो भी काम आप करते हो आज पूरे वर्ल्ड को, आज जिसको छोटा पर्दा बोला जाता है, आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को एक छोटा सा गाँव कर दिया है जिसका नाम है न्यूज़ टेलीविज़न और ये है, तो ये छोटा पर्दा नहीं है, ये घर अब बड़ा पर, अब जो 70mm है उसमें क्या है, इसमें आपको घर में देखने की सुविधाएं, 70mm के लिए आपको हॉल में जाना पड़ता है, अब 70mm बड़ा जब चीज़ करने तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो जो लोग छोटे पर्दे में बिजी हैं उनको बड़ा पर्दा करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और जिनको बड़े पर्दे पे हैं वो छोटे पर्दे, क्योंकि कमिटमेंट होते हैं सबके, कमिटमेंट पूरे करने के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई छोटा पर्दा नहीं है, सब बड़े पर्दे हैं। यादव जी, जो गांव से लड़के निकलते हैं, जैसे आप निकले गांव से पृष्ठभूमि से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो वो बॉलीवुड तक जाते जाते, मुंबई तक जाते जाते एक बड़ा लंबा सफर तय करते, एक संघर्ष का, बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी संघर्ष में लगे रहते हैं लेकिन वो ना छोटे पर्दे पर आ पाते हैं ना बड़े पर्दे पर, तो उन लोगों की परिस्थितियों से आप वाकिफ होंगे क्योंकि आप भी इस लाइन से गुजरे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसके लिए मैं भी उन्हीं बीच का हूँ, कोई स्पेशल नहीं हूँ किसी भी लेवल पर, तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी पिछले 10-15 साल से जूझ रहा था कि हज़ारों लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन अब एक क्रिकेट की फील्ड होती है, स्टेडियम होता है, लेकिन क्रिकेट की फील्ड में 11 खिलाड़ी ही खेल पाते हैं, जबकि लाखों खिलाड़ी बाहर से सपना देखते हैं, ताली बजाते हैं कि हमें भी एक दिन इस फील्ड में खेलना है, हम जानते हैं कि चैलेंज बहुत बड़े हैं, लेकिन जीत का जुनून ज़िंदगी के कि हर योग्यता को हरा देता है, ये भी लाइन पड़ी है, तो सब आत्मविश्वास रखें, परिश्रम रखें, प्यार रखें और स्ट्रगल ना समझें। मैं चीज़ में मैं सबको ये कि आज की पहले जब हम लोग एंटर हुए थे क्रिएटिव फील्ड में तो 3 टेलीविज़न थे, 3 चैनल थे, जब तक हम इस्टेब्लिश हो पाए तब तक 9 चैनल, फिर एकदम 90 चैनल, फिर आज 900 चैनल हैं। आज पहले सिर्फ 8 फिल्में थीं, कॉमर्शियल फिल्में थीं, आज सेमी कॉमर्शियल ये वेब सीरीज से लेके और आज रीजनल सिनेमा की आप फिल्में देखो कि चाहे पंजाबी फिल्में हों, चाहे मराठी फिल्में हों, चाहे बंगाली फिल्में, चाहे गुजराती फिल्में, चाहे किसी भी मतलब बंगाली सब और साउथ इंडियन सब अपने आप में खुद पूरे दुनिया में प्रमाणित कर रहे हैं। तो आज बहुत बोलते कला जितनी बिखरती उतनी सुधरती है, एक समंदर छोटे हो जाए, समंदर की गिनती है लेकिन कला हवा में रहती है, कला को कभी छोटा नहीं, जितना इसका आकार बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना ही विशाल आकार इसका आसमानी तरह बढ़ता जाता है, तो इसलिए अब जो है काम करना ज़्यादा आसान है, इसलिए सब लोग मेहनत से आत्मविश्वास रखें, काम करने की कोशिश करें और अपने आप को बहुत पहचानें।
क्योंकि बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन है, सबको ये लगता है कि कुछ नहीं किया तो सिनेमा कर लो बस, मतलब कुछ नहीं किया तो एक्टिंग ज़रूर कर लो। मुझे ऐसा मेरे बचपन में मेरे दोस्तों ने भी कि क्या कर रहे हो, मतलब एक्टिंग को जॉब ही नहीं माना जाता है, कि बोले कि हम क्या, जैसे हम सब दोस्त पूछते थे कि क्या कर रहे हो, तो आजकल थिएटर पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई के बाद और क्या कर रहे हो, थिएटर कर रहा हूँ, थिएटर तो कर रहे हो लेकिन काम क्या कर रहे हो, तो मैं कर रहा हूँ थिएटर कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो जब तक आप अपनी अभिव्यक्ति को अपने अभिनय को अलग अलग नहीं कि हमारी रील और ये हमारा रियल, दोनों को अलग करके जब तक आप उसको कर्म को पूजा की तरह नहीं लेंगे, जब तक उनकी सारी अहिताओं को पूरा नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको मंजिल पहुंचा दे। क्योंकि अगर आपको वैष्णव देवी माता के दर्शन करने हैं तो आपको सीढ़ियाँ नीचे से ही चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सीढ़ियाँ कोई नहीं चढ़ना चाहता है, उनको सिर्फ ये राजपाल, अरे राजपाल मौका मिले राजपाल को पछाड़ दूंगा, अरे शाहरुख खान जी साहब क्या हैं, जब मौका मिले देखो फिर मैं क्या हूँ। तो इस चक्कर में दूसरे को घर बिठाने के चक्कर में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, वो बच्चे हमेशा फेल हो जाते हैं। अपने आप को पहचानो। मैं दुनिया के चार्ली चैपलिन साहब को दुनिया का सबसे महान एसेट मानता हूँ कला के विषय में, जिस पूरी दुनिया ने जिनको फॉलो किया, लेकिन आज भी क्रिएटिविटी का एक हिस्सा भी पहाड़ से नहीं निकल पाया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर राजपाल यादव को चार्ली चैपलिन से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन राजपाल चार्ली चैपलिन कैसे बन सकते हैं? राजपाल को राजपाल बनना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत जो है मिसकम्युनिकेट हो जाती है। तो मैंने अभी एक राजपाल की पाठशाला, जिसमें हमें 33 साल हो गया है अभिनय करते हुए, गाँव से लेके स्कूल से लेके छोटे छोटे कॉर्नर्स नुक्कड़ नाटकों से लेके डुगडुगी बजा के लोग इकट्ठा करते हैं ना, उनसे लेके फिर NSD जैसे जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के हैं, जिसमें आदमी नेशनल स्कॉलर होता है, वो भी हमें 3 साल रहने का मौका मिला है। तो अब एक राजपाल की पाठशाला के माध्यम से कोशिश करूँगा कि जैसे इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ने जाता है, तो इंस्टीट्यूट ना बना के राजपाल खुद शहर शहर जाके हर शहर में जो लड़के लड़कियाँ जिनको सच में कला की सेवा करनी है, तो उनको मैं प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, मतलब और उनके कुछ मिसकम्युनिकेशन है सिनेमा को लेके अभिनय को लेके, तो हो सकता है कि 5 घंटे की वर्कशॉप है जो अभी शुरू हो रही है, और पूरे जीवन कोशिश करूँगा कि लाखों राजपाल युवक युवतियाँ पैदा हों, और अगर हमारी 5 घंटे की वर्कशॉप में 5 लाइनें भी उनको याद रह जाएँ, तो शायद मतलब उनको जब वो उस मोड़ पर होते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वो आपका जो क्वेश्चन है कि उसमें नहीं सफलता मिलती है, तो शायद वो 2-5 घंटे की अगर 5 लाइनें भी याद रहती हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। शहर शहर करेंगे पहले, और शहर में हर शहर में 10-15 हज़ार बच्चे बच्चियां ऐसे होते हैं जिनको इसमें इतना करियर बनाना होता है, और उनको करियर बनाने के चक्कर में जो लोग असफल हैं पूरे देश में, जिनका कोई करियर नहीं, वो उनको लूट के चले जाते हैं, वो उनको मूर्ख बना, नहीं बिल्कुल निशुल्क प्रवचन होता है, नहीं बिल्कुल निशुल्क नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि आप अपने जीवन में अगर आप 10 साल स्ट्रगल करके कमरा लेके और आप अपने करियर के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो 5 घंटे 3 अगर एक सैलून पर जाते हो, आपके जो बाल काटता है वो 1 घंटा बिताता है, तो वो भी 3,000 रुपये चार्ज करता है। तो हम जाके अपना पूरा टाइम वेस्ट करके और 3-5 घंटे आपके साथ भाई भाई अपनी पूरी खून पसीना जला के, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 100% फीस ऐसी नहीं होगी कि जिसकी वजह से लगे कि एडमिशन ही नहीं हो सकता, लेकिन एक बड़ी जेन्युइन ताकि अगर आप 10-10 लाख रुपया खर्च करते थे ज़िंदगी में, लेकिन ये 10-15 हज़ार आपके 10-15 लाख बचा दें या सही जगह लगवा दें, तो राजपाल का करना। यादव जी, कुछ लोग सीधे सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। हाँ। बहुत लोग फेल हुए हैं, अमिताभ बच्चन जैसे इतिहास में कि वो उनकी कई फिल्में सुपर फ्लॉप रही हैं। हाँ। आपके भी जीवन काल में कुछ ऐसा रहा कि आपने जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की, दुनिया का तो कोई आदमी कुछ ऐसा सुपर फ्लॉप या फ्लॉप, आज जिसको ये पूरा ब्रह्मांड जिनके नामों पर आप इंसान के रूप में चलाते हो, राजा राम, हरिश्चंद्र जी, दुनिया, शिवाजी जी, महाराणा प्रताप जी, आप कोई भी दुनिया में ऐसा महान आदमी बता दो जो जीवन कभी फ्लॉप ना हुआ हो, कि जीवन उतार चढ़ाव है,
और जीवन अगर है तो उतार चढ़ाव आना ही है। 10 साल अच्छे, 10 साल बुरे, 10 साल घाटे के, 10 साल मुनाफे के। अगर आप सोच रहे हो कि बोलते हैं कि वक्त कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, चाहे कितनी भी कोहरा करवा दो सूरज कभी रुकने के लिए नहीं ठहरता, अगर सुबह 6 बजे का, तो मेरा मानना ये है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अंगूठी भी यहीं उतर जानी है, लेकिन जो राजा है वो राजा, उसने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो रंक है उसने भी उतार चढ़ाव दिए देखे हैं। अब जब तक जीवन है तब तक उतार चढ़ाव है, अब जीवन जब खत्म हो जाएगा उसी दिन उतार चढ़ाव बंद हो जाएंगे। आप जीवित हैं तो शिव हैं, और आपका अगर जीवन नहीं है तो शव है। तो जब तक आप डिसाइड करें कि हम शव हैं कि शिव हैं, अगर शव हैं तब तो कोई उतार चढ़ाव नहीं है, और शिव हैं तो 100% उतार चढ़ाव चढ़ाव है। सर एक टाइम था जब आपकी आपकी फिल्मों का जितने भी आप जिसमें भी काम किए वो इतना अच्छा रहा है कि लोग आपको देखने के लिए सिर्फ मूवी देखने जाते थे, ऐसा भी टाइम रहा है, लेकिन अचानक आप निर्देशन की तरफ चले गए, तो उसका कारण? नहीं नहीं, कभी कभी आदमी क्रिकेट खेलता है तो कभी कभी फुटबॉल भी खेल लेता है। तो आपको मैं, अभी नहीं, मतलब आप एक्टिंग मैं जब निर्देशन भी कर रहा था तो भी 10-5 फिल्में कर रहा था, मैं आज भी 10-5 फिल्में कर रहा हूँ, और आई एम लकीस्ट वन इन दिस कंट्री कि जिसके पास में जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने लोग गाए गए अपनी नाव पे बैठे उतरे, लेकिन बचपन जब से संभाला है 10 साल से काम करना शुरू किया है, फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो, तो कभी भी वर्क ने साथ कभी नहीं छोड़ा। और आई लव वर्क, और वर्क इज वर्शिप बोलते हैं, और वर्क इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आपका अपना कोई तो आदर्श होगा ना, जैसे सबके अपने अपने आदर्श होते हैं जी, पर्सन होते हैं, तो आपका आदर्श? देखिए आदर्श तो एक है जो जीवन का वो चित्रकार है जिसने एक गर्भाशय में बिल्कुल अंधेरे, जहाँ पे सिर्फ ब्लड है, कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई लाइट नहीं है, और उसके अंदर एक चना का हल्का सा वो लुथड़ा बनता है, और धीरे 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 हाथ पैरों से लेके और आँखों से लेके और ब्लड के अंदर ही होता है, ना कुछ भरता है ना कुछ, और 9 महीने के बाद वो बच्चा जो है बिल्कुल, साइंस भी जिसको आज तक नहीं क्रिएट कर पाई, अंतरिक्ष पहुंच गए, और वो अंधेरे उस बंद इतने बड़े गर्भाशय में माँ के पेट में कैसे पलता है, कोई तो चित्रकार है जो उसकी डिज़ाइनिंग करता है। तो अगर दुनिया, मैं मान के चलता हूँ कि हमारा ये विश्वास है कि प्रकृति हो या कोई भी हो, कोई शक्ति है जो ये चित्रकारिता करती है, उसको मैं गॉड मानता हूँ, और गॉड के बाद में जिसने हमें जन्म देने का सौभाग्य दिया, मैं अपना सुपरस्टार अपने माता पिता को मानता हूँ, और माता पिता के जो मेगा स्टार हैं, जो हमारे परिवार के पूज्य पिता हैं, जो हमें हमेशा संस्कार सिखाते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, वो हमारे परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी हैं, जिनके साथ हम पिछले 20 साल से 25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ राष्ट्र कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए करते चले आ रहे हैं। अभी के दौर में भी बहुत सारे कॉलेज आ रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ऐसा लगता है जो आपका खुद का झलक दिखता हो या? कहीं नहीं, कहीं राजपाल ओनली वन, और बहुत अच्छे से बड़े फुर्सत पैदा किया है ऊपर वाले राजपाल। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कोई ऐसा भी होगा अभी जैसे आ रहा है, मुझे नहीं मालूम कौन कॉमेडियन आ रहा है या कौन मुझे पता भी नहीं है कौन ट्रेजिडियन आ रहा है। आज 2019 में पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है, अभी कोई पहले विलेन और कॉमेडियन और हीरो, आज 2019 की पिछले 5 साल की फिल्में देखो कि हम लोग ना कोई कॉमेडी करता है, ना कोई हीरोगिरी करता है, ना कोई विलेनगिरी करता है, सब लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेजेडी थी वो न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपनी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, जो वास्तविकता है वो देश के सामने, दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अब सिर्फ बचा है शुद्ध एंटरटेनमेंट, तो मैं ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट का पुजारी हूँ, और मुझे कब कोई एंटरटेनर बोलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और बाकी जिस भी नाम से पुकार दे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कोई रास्ता ही नहीं चुना, वही तो 15 मिनट से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कोई, मैंने सिर्फ रास्ता कला के बेटे का चुना, और कला
कला का आकार इतना बड़ा है कि सातों समंदर बहुत छोटे हैं, क्योंकि कला हवा में रहती है। और हमने कलाकार का चोला जो है, कला के पुजारी का चोला पहना है। मुझे नहीं मालूम मैं कॉमेडियन कौन होता है, मुझे पता नहीं है किसको कहते हैं कॉमेडी, मुझे ये भी पता नहीं है। मुझे ट्रेजेडी किसको कहते हैं ये भी पता नहीं है। मैं अर्थवत्ता फॉलो करता हूँ डायरेक्टर की, और सिनेमा मनोरंजन के लिए है। अगर मैं डायलॉग बोलूँ वो किसी भी लेवल का हो, सामने वाली जो जनता है उसको मनोरंजन होना चाहिए। दरअसल इनका कहने का अर्थ ये है यादव जी कि आज की तनाव भरी जिंदगी में, हाँ, जब व्यक्ति अवसाद में घिरा हुआ है चारों तरफ, ऐसे में आप तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार है ना, उसको का उसको काम करते नहीं नहीं हंसा बड़ा काम करते नहीं, हाँ, तो वो फिर उसको दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार क्यों नहीं मानते हो, उसको क्या कॉमेडियन जिसके मैं पूरी दुनिया से एक घंटा नहीं 8 घंटे बहस करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा है कि आपके अंदर आपके साथ भेदभाव कुछ हुआ है? अरे कुछ नहीं, कभी नहीं। हमारी प्राइज जो मिला क्या, वो खलनायक का प्राइज मिला, कौन बोला? आप कहाँ हो, आप पहले रिसर्च करो मेरी। मैं एक सुनिए फिल्म है आपकी, अरे सुनिए सर, मुझे नेगेटिव, मैंने 10 फिल्में की, मैं इस संसार का लकीस्ट आदमी हूँ जिसने 15-20 नेगेटिव फिल्में की, 25 मुख्य भूमिका की फिल्में की, 60-70 कॉमिक भूमिका की फिल्में की, 20-25 ये सामाजिक भूमिका की फिल्में की, 200 फिल्मों में। अभी भोपाल प्रेयर फॉर रेन आप देख लो, जिसमें मार्टिन सिंह भोपाल जो तो जिसमें जो जितनी बड़ी फिल्म है जिसको बनाने में पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड ने काम किया, उसमें मुख्य भूमिका की है, इतनी संवेदनशील फिल्म। मैं मेरी आप कौन सी फिल्म आपको पसंद है, आपकी खुद की? नहीं, हमारी फिल्में हमें सब पसंद है, 90% हमारी भूमिकाएं सब सुपरहिट। मैं मेरी पत्नी और वो सुपरहिट मुख्य भूमिका माला माल वीकली, आप चुप चुप के ले लें, रामा रामा क्या है ड्रामा, सब भूमिकाएं डिफरेंट हैं। मुझे कोई निगेटिव कोई तम, मैं पूरी इंडस्ट्री का और सभी जनता का बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम कभी इमेज, आपने जंगल का दोबारा रोल देखा करते हुए कभी? मुझे आज तक दाढ़ी लगा के जंगल जैसा रोल एक ही हुआ, 20 रोल आए, सबको मना कर दिया, क्योंकि मैं वैरायटी पसंद इंसान हूँ और मैं अभिनय हमारे ब्लड में है, मैं अभिनय सीखता नहीं हूँ, अभिनय जीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभिनय हमारी कमजोरी और अभिनय हमारी मजबूरी। ये जो भोपाल की प्रेयर फॉर रेन थी, तो आप ऐसी पृष्ठभूमि की फिल्म थी कि मतलब इसमें आप, तो आप हमारी भूमिका देखिए तो आप कॉमेडी भूल जाएंगे। अच्छा। और आप ऊब के दिखा दीजिए, ये मैं आपको विनम्रता पूर्वक चुनौती दे सकता हूँ। एक कलाकार का दिल है, आपके अंदर भावनाएं हैं, इन भावनाओं के बीच कहीं ना कहीं एक प्यार भी छुपा हुआ। हमारे साथ कभी भी कोई आपको ये बताए कि कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, ना इंडस्ट्री में, ना देश में, ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना परिवार में, ना परिवार में, ना समाज में, ना देश में, ना बॉलीवुड। नहीं, आपके मतलब मुख्य भूमिका फिल्म भी आपने अच्छी की, जैसे मैंने इसी सेंस में कहा कि ये भोपाली प्लेयर जो अच्छी भूमिकाएं की आपने उस फिल्म में भी, फिर आपको कॉमेडी क्यों ही दी जाती रही ज्यादा, मतलब फिर कॉमेडी फिल्मों में क्यों चूज करते रहे? आज पिछले 10 साल से आप देख रहे हो कि कौन सा अभिनेता ऐसा बताओ जिसने कॉमेडी ना की हो? पिछले 10 साल से मनोरंजन का युग देख रहे हो आप कोई ट्रेजेडी फिल्म देख रहे हो? एक फिल्म बताओ जिसमें ट्रेजेडी हो पिछले 10 साल में, बताओ, चाहे हाउसफुल चाहे कोई भी, सब एंटरटेनिंग फिल्में हैं। उस समय अलग बात थी 1970 की, जब मतलब फिल्में अलग, पिछले 10 साल में ये युग होते हैं। अब कोई अभी वेब सीरीज का ज़माना आ गया, फिर नेटफ्लिक्स और अमेजोन में चल रहे हैं, धीरे धीरे 3 मिनट की फिल्मों का ज़माना आ रहा है, फिर 300 मिनट का ज़माना आ जाएगा। ये परिवर्तन है, इसको इंजॉय करो। आप क्या पूछ रहे हैं यादव जी? मैं कह रहा था कि जो भावनाएँ आपके अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्यार भरा दिल भी उमड़ता होगा, कहीं ना कहीं जो प्यार की तरफ आपका एक बच्चे, किसी से प्यार भी किया होगा आपने ज़िंदगी में, वो पल आपके कैसे रहे? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैं मतलब लकीस्ट इंसान हूँ, मुझे सबसे जो होता है, जो बड़ा बच्चा सौभाग्यशाली हो जाता है कि उम्र के हर पड़ाव पर उसको जिसकी ज़रूरत है वो उसका सहभागी बने। बच्चा था तो मेरी माँ, मुझे लगता है कि सबकी माताओं ने सबके बच्चों को पाला है, लेकिन अब जो मैं खुद गवाह हूँ जिस माँ ने मुझे पाला है, तो सबसे ऐसा लगता है कि 100 जन्म भी कुर्बान है उस माँ पे। फिर उसके बाद
मतलब भाई बहन बुआ फूफा जितने जितने रिश्तेदारों का प्यार मिला होगा सबका तो दुलारा रहा। इंस्टीट्यूट में क्लास का प्यारा रहा कि इंस्टीट्यूट के बाहर जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे सब दोस्त हैं तो वहाँ प्रेम भी हमें खूब भरपूर मिला। इस प्रेम के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, कोई ऐसा लाइफ में ऐसा आया हो जो जिससे आप बहुत मतलब प्यार फुल ऑफ लाइफ मतलब माँ बाप भाई बहन से बिल्कुल नहीं बिल्कुल अलग नहीं बहुत बात प्रेम इतना फुल ऑफ लव मतलब कोशिश मतलब मेरा कहने का आप ये समझ लीजिए ये कोई भी मैं कोई आज तक कोई विवाद की पब्लिसिटी नहीं की तो संवाद व्यक्तिगत पब्लिसिटी तो नहीं करना चाहूँगा लेकिन एक चीज़ है कि इस दुनिया की हर नारी शक्ति को प्रणाम जिसने जिस भी स्टेज में एक अपनी भूमिका निभाई कभी माँ के रूप में बहन के रूप में बेटी के रूप में और प्रेमिका के रूप में और मैं अपनी सारी नारी शक्ति को कि मुझे मैं सब बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिन जिन लोग हमारे जीवन में जो जो हमारे साथ में पारिवारिक रूप में या व्यक्तिगत इमोशन के रूप में या व्यक्तिगत प्रमोशन के रूप में जिसके साथ भी जहाँ बैठने का मौका मिला और जीने का मौका मिला मैं बिल्कुल गदगद हूँ। यादव जी प्रेमिका के रूप में ही हमारा कहने का हाँ तो वही हमने बता दिया या आपके फिल्मी कैरियर में कोई ऐसी लड़की आई हो जो उसको आप आज तक भूल नहीं पाए? नहीं मैं अपने किसी लड़की को भूलने नहीं चाहता कभी मैं हमेशा लड़कियों को बहुत ईश्वर की ऐसी रचना है जो बोलते हैं कि संसार में एक पुरुष शक्ति से 8 गुनी ज़्यादा है और वो उसकी कद्र अगर हर बच्चा समझ लेगा तो शायद देश को पूरे देश विश्व का बड़ा भाई बन जाएगा जिस दिन हमारे देश में हमारी नारी शक्तियों की असली पहचान आ जाएगी कि हर पुरुष शक्ति से हर चीज़ में पढ़ाई में घर में परिवार में काम में वर्क में फोकस में 8 गुना ज़्यादा है और जो खुद एक रचना है ऊपर वाले की और वो अपने अपने प्राणों को बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा होता है सेक्रीफाइस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रिस्क लेना अपने प्राणों की रिस्क लेके एक प्राण को जन्म देता है उससे क्या बात करूँ उसका तो जितना भी गुणगान कम है। आध्यात्म पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल 100% नहीं तो अब तक जितनी देर से बोल रहा हूँ आध्यात्मिक नहीं होता तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर कुछ और ही होते। आखिरी कर लो जल्दी कर लो सर बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं कुछ राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं कुछ नहीं रखते लेकिन अधिकतर लोग होते राजनीति में बोलना पसंद नहीं करते हैं ऐसा क्यों बोलना पसंद राजनीति में जल्दी तो राजनीति नहीं करनी चाहिए कोरोना जो बोलना पसंद नहीं क्योंकि राजनीति अभिव्यक्ति है। देखिए अभिनय प्रॉक्सी है ये बात मानिए इसलिए रील है। नहीं सर अभिनय अलग चीज़ है एक आप समाज में रहते हैं आप एक जगह में रहते हैं तो वहाँ पे क्या घट रहा है नहीं घट रहा है उस बारे में कभी तो कोई भी बोल सकता है लेकिन अधिकतर लोग नहीं बोलते हैं ऐसा क्यों? नहीं ज़्यादातर अब सोशल मीडिया के ज़माने से तो हर आदमी लगातार बोल रहा है हर आदमी ट्वीट कर रहा है हर चीज़ में लगभग बॉलीवुड के सामने नई पार्टी की जरूरत क्यों महसूस नहीं नहीं ज़्यादातर नई पार्टी बनाई ना आपने उसकी जरूरत क्यों महसूस की आपने मतलब ये जो पार्टियाँ हैं हमारी उसके हट के आपने नई पार्टी बनाने की जरूरत की महसूस क्यों की मतलब? मुझे ऐसा लगा कि अभिनय से जो है और मेरे संसार को मनोरंजन के माध्यम से सेवा करता हूँ और अपने अपने परिवार का अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। हर आदमी अपने जीवन को एनजीओ खोलता है कोई सेवा करना चाहता है अपने कर्म के अलावा एक ऐसा धर्म करना चाहता है जिसमें उसको संतुष्टि मिले कि उसने अपने कर्म के अलावा ये ऐसे इसलिए किया क्योंकि इसमें लोगों का भला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पिछले मैं पॉलिटिक्स से मैंने बीए किया है मेरा पिछले 20 साल से राजनीति मतलब जो है जितना कबड्डी मेरा पसंद है उतना ही जीवन जीने में राजनीति मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है बचपन से। अभिनय हमारा पूजा है हमारी रोजी रोटी है राजनीति हमारे लिए सेवा है नंबर एक। हर अभिनेता जो होता है वो साल में 5 फिल्में 6 करे तो 200 दिन से ज़्यादा शूटिंग नहीं करता है। 165 दिन मेरे पास हैं
अगर मैं अपने एक महीने के 10 दिन भी एक ऐसी सेवा के लिए देता हूँ, 10 दिन सलाह करोगे तो 20 दिन काम भी करोगे, खाली सलाह ही करोगे, तो 10 दिन की सलाह मशविरा के लिए तो 12 दशमलव 120, तो 165 दिन में से 120 दिन साल में 365 दिन 120 दिन देश के लिए अच्छा हो सके उसके लिए सलाह मशविरा के लिए मैं एंट्री जो है अपनी सहभागिता निभाना चाहता हूँ। कि मस्खरागिरी करते हुए तो वो तो जीवन भर चलेगी, वो तो और भी दोगुनी करो, 40 साल के बाद आदमी जवान होता है हॉलीवुड में, 40 साल में आदमी बूढ़ा नहीं होता है, 40 साल में 10 साल का जीवन का भी एक्सपीरियंस होता है 30 साल के करियर के बाद, अभी तो जवान हुए हैं अभिनय करने के लिए। पार्टी के लिए ये था कि एक तो सेवा करनी है तो चलो 100 दिन सलाह करेंगे देश में कुछ अच्छा हो, दूसरी चीज़ ये कि हम देश के लिए पार्टी बनाई है, हमने पार्टी के लिए पार्टी नहीं बनाई है, नंबर 2 आज मैंने मुझे आज तक पछतावा होता है कि कक्षा 10 जब हम सब कक्षा 10 में पढ़े हैं, कक्षा 10 में जब आपकी उम्र होती है तो 15-16 साल उम्र होती है, वो 15 साल की 18 साल 20 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है, इतनी कच्ची उम्र होती है, उसमें प्रेम भी उमड़ता है, करियर भी उमड़ता है, माँ बाप की चिंताएँ भी उमड़ती हैं, उस समय बच्चा 16वीं का हो गया, 16वीं जब जैसे बच्चा आता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उस पर 8 दिशाओं के बोझ आने लगते हैं, लेकिन उसी समय मैं उसी 15 से 20 साल के बीच में मैं पूरे देश दुनिया में आज 750 करोड़ लोग हैं जिसमें कम से कम 125 करोड़ बच्चे होंगे, और मेरी कोशिश चलेगी कि मेरा ये संकल्प है आज बोलना कि पार्टी क्यों बनाई कि अपने देश में अगर 125 करोड़ हैं तो बच्चे 25 करोड़ बच्चे बच्चियां हैं, उनसे जा के बार बार उनके स्कूल में जा के बोलूँगा कि सब कुछ पढ़ो, इंजीनियर बनो, उद्योगपति बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो, स्पोर्ट्समैन बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आज गूगल तुम्हारे पास है, हम लोगों के पास गूगल नहीं था, हमें टीचर बताता था 7 समंदर 7 ये सा हम लोग रटते थे, आज गूगल में जाके सुबह 5 बजे 6 बजे जब अपना होमवर्क करने बैठते हो 5 मिनट अगर आप खाली एक पन्ना पढ़ोगे संविधान का तो 15 से 20 साल के बीच में पूरे संविधान के लॉ को बिल्कुल चाट जाओगे जो आपके गूगल में बंद है। और जिस दिन आप संविधान अपने भारत का अपनी भाषा में अपनी दुनिया में अपनी भाषा में जिसको रीजनल आती है अपनी अपनी भाषा में, जिसको हिंदी आती है हिंदी में पढ़ लो, जिसको मराठी आती है मराठी में पढ़ लो, लेकिन संविधान जिस दिन अपना पढ़ लोगे तो जीवन का जो आपका जीवन का संविधान है और जो ये सिस्टम का संविधान है दोनों में एक रूपिता पाओगे और अपने जीवन का हिसाब किताब खुद चला पाओगे। तो मैंने पार्टी बनाई है कि मेरा सपना है कि कम से कम इस संगठन के माध्यम से 10-20 नहीं 50 करोड़ पूरे संसार में अगर 10% लोगों के पास भी पहुंच पाया 750 करोड़ तो 70 करोड़ का संविधान पढ़ा के रहूँगा। लास्ट सवाल यादव जी, जो आपने राजनीतिक पार्टी का गठन इसलिए बनाई है राजनीतिक पार्टी, यादव जी आपने जो राजनीतिक पार्टी का गठन किया किस राजनेता से प्रभावित होकर किया? देखिए क्यों, क्या आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, या आपकी भावी रणनीति क्या है? सिर्फ एक दिखावे के लिए आपने राजनीतिक पार्टी का गठन किया या उसके कुछ उद्देश्य भी हैं? जब हमारे गाँव में फट्टे टाकीज नहीं थे, गाँव में चारों तरफ 4 महीने पानी भरा रहता था, उस समय पर्दे पे सबसे बड़ा पोस्टर थे तो मानी बच्चन साहब थे, तो उस समय वो पानी की कचकट में मैंने सपना देखा था कि ये स्क्रीन का सबसे बड़ा स्टार है, इनके साथ काम करना है। तो मुझे वहाँ से ये बात 84 में सोची तो 2001 में मुझे 16 साल लगे उस मंजिल पहुँचने के लिए। उस समय हमारे परिवार के अलावा हमें कोई जानता नहीं था, हमारे रिश्तेदारों के अलावा, तब हम 16 साल में बच्चन साहब के पास पहुंच गए और पूरी इंडस्ट्री के साथ में आज हमने 200 फिल्में कर ली हैं। तो राजपाल के कर्म पे भरोसा करो, राजपाल के आत्मविश्वास पे भरोसा करो, राजपाल के प्यार भरोसा करो। अभी 9 महीने की बच्ची है पार्टी, 9 महीने की बच्ची कभी 9 महीने के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन इसमें 10-5 साल के कर्म घुसेड़ने दो, ये भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्टी होगी जिसका नाम है सर्वसंभव पार्टी। अभी राज्यपाल के कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैंस हैं, फॉलोअर नहीं है,
लेकिन 100% एक दिन वो आएगा कि फैंस फॉलोअर हम बदलेंगे, नीति नियति हम बदलेंगे, और जिस दिन फैंस फॉलोअर हम बदलेंगे उस दिन फिर उनको आप नहीं बदल पाओगे। परमात्मा राजनीतिक मूल्यांकन की बात आएगी तो आप NTR को ऊपर रखेंगे कि अमिताभ जी को ऊपर रखेंगे? अगर राजनीतिक मूल्यांकन करना हो, कॉन्ट्रीब्यूशन का, राजनीति में जो कॉन्ट्रीब्यूशन किसी अभिनेता ने दिया, तो NTR को आप बेहतर मानेंगे कि अमिताभ जी को, अमिताभ बच्चन जी को बेहतर? कौन बेहतर था कौन बेहतर नहीं था ये कुंडली बनाना मेरे बस की बात नहीं। पिछले 70 साल में जो कुछ अच्छा हुआ वो हमारे साथ है, जो कुछ भी बुरा हुआ वो हमारे साथ है। 2019 से क्योंकि हम प्रोड्यूसर लोग कभी फिल्म फ्लॉप करने के लिए नहीं बनाते, कोई पार्टी अपनी पार्टी फ्लॉप करने के लिए पार्टी नहीं बनाता, कोई अभिनेता अपना अभिनय फ्लॉप करने के लिए अभिनय नहीं करता, लेकिन हो जाता है। मैं चाहता हूं कि पिछले 70 साल में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे लिए एक इतिहास है। 2019 से हम क्या अपनी मिल के ऊर्जा लगा सकते हैं उस पर कंसनट्रेट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। अच्छे प्रश्न पूछे आपने, आप खुश रहें, खूब प्रोग्रेस करें, स्वस्थ रहें। आप संडे पोस्ट आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप अभिनेता से नेता बने। नहीं, अभिनेता से नेता नहीं बने, अभिनेता तो हम हैं, वो तो हम बन चुके हैं, नेता के साथ साथ नेता बने। हाँ, वो भी सेवा, मतलब आप जन सेवा, समाज सेवा करें।